Assalamualaikum to everyone, this is Farooq Ibrahim. Welcome back to my YouTube channel Farooq Zone. Friends, I hope के आप सब खैरियत से होंगे. अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ और अल्लाह हम सबको इसी तरह शादाबाद और हंसता बस्ता रखे. इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू. तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 9, रात के 9 बज रहे हैं और अभी मुझे अपने एक फ्रेंड को ड्रॉप करने कराची कैंट स्टेशन जाना है. तो आज मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना कैंट स्टेशन पे थोड़ी बहुत व्लॉगिंग की जाए और आपके साथ शेयर की जाए. तो अभी मैं अपने फ्रेंड को ड्रॉप करने निकल रहा हूँ. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. और वीडियो को शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर आए तो कांडी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको जल्द अज जल्द मिल सके. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. हाँ तो फ्रेंड्स, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कराची कैंट में और यहाँ बहुत ही खूबसूरत मनाजिर देखने को मिल रहे हैं. आप कौन से खूबसूरत वाले समझते हैं, मैं वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ. मेरा मतलब है यानी दिलकश मनाजिर देखने को मिल रहे हैं. यार जहनीत अच्छी रखो यार. और हम लोग इस वक्त कराची कैंट पे मौजूद हैं और मैं आपको थोड़े बैक शॉट्स लेके दिखाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि रात के वक्त यहाँ जो लाइट्स वगैरह ऑन है उसमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कराची कैंट. तो अभी मैं आपको बैक शॉट्स लेके इसके दिखाता हूँ. ये वो जगह आ चुकी है जहाँ पर टिकट्स वगैरह की खरीदो फरोख की जाती है और आप यहाँ देख सकते हैं काफी ज्यादा रश है. ये आप देख सकते हैं काफी ज्यादा रश है. ये काउंटर नंबर शायद 1, 2 या 3 इस तरीके से इनको मुख्तस किए हुए ये काउंटर हैं जहाँ से आप टिकट वगैरह ले सकते हैं. हाँ तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि मास्क के बगैर यहाँ पे एंट्री कर नहीं रहे. अगर आपको कराची कैंट आना है तो आपके साथ मास्क होना ज़रूरी है. मुझे भी आप देख रहे हैं कि पहले मेरे पास मास्क नहीं था लेकिन अब मुझे मास्क जो है ख़रीदना पड़ गया है क्योंकि विदाउट मास्क आपको एंटर होने दे नहीं रहे. तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप अगर आप व्यूअर्स में से कोई भी कराची कैंट आना चाहता है तो अपने साथ मास्क ज़रूर लाए. तो अभी आप ये देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन लग रही है. आई थिंक इसका नाम मुझे अभी पता नहीं है. तो अभी इसमें लोग सवार होंगे. ये प्लेटफॉर्म पे लग रही है और आप रश चेक करें, आप रश चेक करें आप कितना ज्यादा हो रहा है. तो फ्रेंड्स अभी आप ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जो इंजन था इसका वो इससे अलग हो चुका है और अब इसका एक नया इंजन आके लगेगा. वो मैं आपको दिखाता हूँ. वो देखें, वो आ रहा, ये देखें, ये इंजन आएगा और अब इससे अटैच होगा और फिर यही इंजन इसको आगे मूव करवाएगा. तो अभी आप ये देखें ये इंजन आएगा और मैं पूरा आपको यानी इसके साथ जब अटैच होगा मैं आपको पूरा दिखाऊंगा. ये देखें हाँ. तो फ्रेंड्स मैं ये आपको इंजन के बहुत ही करीब से आपको ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ. ये है इसका लोकोमोटिव नंबर जो है वो है 6027. यहाँ पे देख सकते हैं आप ये लिखा हुआ है इसका लोकोमोटिव नंबर AGE 30 N 6027. तो ये इसका है लोकोमोटिव जो इसको लेके रवाना होगा यहाँ से. ये आप देख सकते हैं कि सामान की लोडिंग अभी भी जारी है और कुछ सामान यहाँ से लोड हो रहा है
और ये देख रहे हैं हम, ये यहाँ से भी लोड हो रहा है और अभी इस वाली जगह से भी लोड हो रहा है। ये आप देख सकते हैं दोनों जगह से भी सामान लोड हो रहा है और अभी और सामान भी आ रहा है। तो ट्रेन का टाइम तो और हो चुका है लेकिन अभी सामान लोडिंग की वजह से थोड़ी देर से हो सकता है ट्रेन रवाना होगी। हाँ तो फ्रेंड्स, ऐसे ट्रेन का भी अपना ही मजा है, ट्रेन का सफर है उसका कोई कंपनसेट नहीं है, ट्रेन का मजा अपना ही मजा है। और मैं तो ये कहूँगा कि मैंने जब भी ट्रेन में सफर किया है, ट्रैवल किया, बहुत इंजॉय किया है। तो मैं अभी दिल तो चाह रहा है कि मैं भी चला जाऊँ दोस्त के साथ, लेकिन मजबूरी ऐसी है कभी मैं जा नहीं सकता। तो गाइस तब भी मैं मौजूद हूँ ट्रेन में और दोस्त को देखने आया था कि उसको सीट वगैरह मिल गई है नहीं मिली है। अभी मैं मौजूद हूँ ट्रेन में और बस थोड़ी देर में ट्रेन रवाना हो जाएगी। तो अभी मैं थोड़ी देर में ट्रेन रवाना हो जाएगी और दोस्त को बाय करके हम यहाँ से फिर हम भी रवाना जाएंगे घर के लिए। हाँ तो भाई दोस्तों, अब इसके इट्स टाइम टू डिपार्चर, अब इसकी रवानगी का वक्त हो चुका है, आप देख रहे हैं। तो फाइनली ट्रेन जो है वो चल पड़ी है, ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं ट्रेन के जाने के बाद अब जो मनाजिर है पूरा खाली हो चुका है तकरीबन, ये आप देख रहे हैं पूरा तकरीबन ये खाली हो चुका है जो स्टेशन है, यहाँ से देखें, यहाँ अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये पूरा तकरीबन खाली हो चुका है स्टेशन। हाँ तो फ्रेंड्स, सीन कुछ ऐसा है कि मैं दोस्त को बिठा के आ चुका हूँ, ट्रेन रवाना हो चुकी है और अब मैं भी अपने घर की तरफ रवाना होऊंगा। और तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।